हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिशा जीज एंड क्रिएटिविटी, माय सेल्फ लिशा। आज हम बनाने वाले हैं अनार कैंडी। तो अनार दाना से बनने वाली ये बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग डिलीशियस कैंडी है गाइस, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो आप ही ज़रूर ट्राई करना इफ़ आपको पसंद आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स में हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो उसमें सबसे पहले हम अनारदाना को छिल के अनार उसके दाने निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं एक बाउल ऑफ अनारदाना मैंने लिया हुआ है, ये हाफ अ बाउल ऑफ शुगर लिया है मैंने एंड हाफ अ बाउल ऑफ कस्टर्ड पाउडर लिया है, और ये ग्रेटेड कोकोनट है फॉर गार्निशिंग एंड ये सिनेमन पाउडर है। तो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले हम मिक्सर ग्राइंडर में अनारदाना का जूस निकाल लेंगे। तो हमने ये ग्राइंडर में अनारदाना डाल दिया है, आप जूसर में भी इसका जूस निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम अनारदाना डाल देंगे इसमें, और बहुत फाइन पेस्ट होने तक हम इसे पीस लेंगे, जूस रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा जूस रेडी हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग रेड, वायलेंट रेड कलर है। तो अब इसे हम छान लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर, बिकॉज ऊपर के उसके जो दाने हैं वो हमारे यूज़ में नहीं आएंगे इस रेसिपी में। तो उसके दाने हम निकाल लेंगे एंड जूस को स्ट्रेन कर लेंगे। तो दिस इज हाउ हम सारा जूस निकाल लेंगे स्ट्रेन करके। अब आप देख सकते हैं जूस को हमने स्ट्रेन कर लिया है, लेकिन उसी बाउल में हम फिर से डाल देंगे ताकि हमें मेजरमेंट के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं 3/4 कप जितना जूस निकला है। तो इसके लिए हम हाफ अ कप ऑफ शुगर एंड हाफ अ कप ऑफ कस्टर्ड पाउडर यूज करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब एक कढ़ाई में हम ये जूस डाल देंगे, 3/4 कप ऑफ जूस जो हमारा निकला था वो इसके अंदर डाल देंगे। अभी मैंने गैस फ्लेम ऑन नहीं की है, और शुगर भी हम इसके अंदर डाल देंगे हाफ अ कप जितनी। अब इसको हम अच्छे से डाइल्यूट कर लेंगे जूस को और शुगर को, एक अच्छे से एक फाइन सा एक शुगरी सिरप रेडी हो जाएगा ये हमारा। तो अनारदाना का ये जो सिरप है अच्छे से रेडी होने के बाद, अच्छे से डाइल्यूट होने के बाद आगे के फर्दर इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली स्टर करते हुए मैं ये शुगर डिजोल्व कर रही हूँ। अब हम कस्टर्ड पाउडर यूज़ करेंगे, बट कस्टर्ड पाउडर को एज इट इज़ हम नहीं डाल सकते, लम्स हो जाते हैं। तो इसीलिए पहले हम जूस ले लेंगे थोड़ा सा, और उसी में इस कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से डिजोल्व कर लेंगे, और ताकि कोई भी लम्स ना रहे, एक लम फ्री मिक्सचर रेडी हो जाए। तो इस पेस्ट को फिर हम जूस में मिक्स कर लेंगे। तो कंटिन्यूसली स्टर करते हुए इस कस्टर्ड पाउडर वाले मिक्सचर को हम जूस में डाल देंगे। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। तो कॉर्नफ्लावर भी आप इसी तरीके से जूस में मिक्स करके फिर आप उसमें मिक्स करके डिजोल्व कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ आप देख सकते हैं एक लम फ्री मिक्सचर रेडी हो गया है। तो अब हम इसे आगे फर्दर हमारा जो जूस का मिक्सचर था अनार जूस, उसके अंदर ये इसको डाल देंगे एंड अगेन पूरे मिक्सचर को अच्छे से एक स्टर दे देंगे। उसके बाद हम आगे की जो भी फर्दर प्रोसेस है वो कुकिंग, वो हम गैस फ्लेम ऑन करके करेंगे। तो इतना हमें विदाउट गैस फ्लेम ही डिजोल्व करना है एंड मिक्स करना है। तो अब इसके बाद हम गैस फ्लेम को ऑन करके फिर फर्दर हमारी जो भी कुकिंग है वो हम स्टार्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने गैस फ्लेम ऑन कर दी है। तो हम यही एक ध्यान रखेंगे इसमें स्टर करते टाइम, कुक करते टाइम, कि गैस फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे, उसको हाई फ्लेम में बिल्कुल भी नहीं कुक करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं कंटिन्यूसली स्टर करते हुए इस मिक्सचर को रेडी करूँगी, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट एनी लम्स इन इट। तो कोई भी लम्स फॉर्म ना हो, गुठलियाँ फॉर्म ना हो, इसीलिए दिस इज़ हाउ हम कंटिन्यूसली स्टर करते हुए इसे पका लेंगे। अब आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो गाढ़ा होते होते ये बहुत अच्छे से थिकन हो जाएगा, अच्छा सा एक गाढ़ा पेस्ट रेडी हो जाएगा, बिकॉज उसके अंदर जो कस्टर्ड पाउडर है इट विल हेल्प इट टू बिकम थोड़ा सा थिक। तो आप कस्टर्ड, जैसे मैंने पहले भी कहा, कस्टर्ड पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसे भी इसी तरह सेम इसी वे में आपको यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं थिकन हो रहा है ये। थोड़ा
थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है बट रिजल्ट्स आर वेरी गुड गाइस। तो इसी तरह हम कंटिन्यूसली स्टर करेंगे। बच्चों को स्पेशली बहुत पसंद आती है और अनार खाने की तो बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट से वी ऑल नो। तो इफ़ बच्चे आपके ऐसे नहीं खा रहे तो वैसे ही सही, तो आप इस तरीके से आप कैंडी के रूप में बना के उन्हें सर्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये थिक होना शुरू हो चुका है एंड माई किड्स लव दिस अनार कैंडी, सो आई थॉट टू शेयर दिस रेसिपी विथ यू ऑल। तो ये आप देख सकते हैं थिकन हो रहा है। तो इसी तरह हम कंटिन्यूसली स्टर करते हुए इसे हम गाढ़ा पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं अच्छे से ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। नाउ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये अच्छे से स्टर करने के बाद 5 to 6 मिनट्स एक अच्छा थिक पेस्ट रेडी हो चुका है। तो अब इसे हम इसी तरह स्टर करते हुए आगे फर्दर इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। अब इसके अंदर हम 1 स्पून ऑफ घी डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं घी डालने से इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी शाइन आ जाएगी एंड वी ऑल नो घी के भी बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो दिस इज़ हाउ इसके अंदर घी डालने से इस कैंडी के बेनिफिट्स बढ़ जाते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स। तो इससे आप देख सकते हैं अच्छा एक गाढ़ा पेस्ट रेडी हो जाता है। तो अब इसके अंदर हम 1 पिंच ऑफ, आप समझ सकते हैं 1/2 टीस्पून जितना मैंने सिनेमन पाउडर ऐड किया है, आप इसके बदले इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ स्टर करते हुए अब हम गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये हमारे नियर अबाउट कैंडी रेडी हो चुकी है। बस अब आगे फर्दर सेट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने एक ग्लास बाउल लिया है। आप कोई भी मोल्ड्स, जो रेडी मोल्ड्स आते हैं जिसमें अलग अलग शेप्स बने होते हैं, तो उसमें भी आप डाल के इसको सेट करने के लिए रख सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर नीचे सबसे फर्स्टली ग्रेटेड जो हमारा कोकोनट होता है वो डाल दिया है और अब इसके अंदर ये जो हमारा पेस्ट है वो डाल दूँगी सेट होने के लिए। अब आप देख सकते हैं पूरा पेस्ट मैंने इसके अंदर डाल दिया है जो भी रेडी था। अब अगेन इसके ऊपर भी मैं ग्रेटेड कोकोनट से गार्निश कर लूँगी। तो अब रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है, सुंदर लगता है। अगेन कोकोनट्स के भी बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो इस तरह कोकोनट भी हमारे बच्चों को मिल जाएगी इस कैंडी के रूप में। तो इसे अब हम सेट करने के लिए रख देंगे फ्रिज में, या आप बाहर भी रख सकते हैं बिकॉज अभी विंटर्स हैं। 4 to 5 आवर्स के लिए सेट कर लेंगे। तो आफ्टर 4 आवर्स मैंने निकाल के देखा तो आप देख सकते हैं दिस इज़ हाउ ये बिल्कुल भी कटोरी छोड़ दे रही है एंड हमारी जो अनार की जेली कैंडी रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग रेड एंड वाइट, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जेली कैंडी रेडी हो चुकी है। अब इसे हम डीमोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से प्लेट में हम टैप करते हुए इसे निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिली डीमोल्ड हो गई है, मतलब ये अच्छे से सेट हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं रेड एंड वाइट की कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है गाइस। तो अब इसे आप अपने मनपसंद शेप्स में कट करके सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही जल्दी झटपट बनने वाली ये जेली कैंडी, अनार जेली कैंडी रेडी हो चुकी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना और पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।